हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो सॉलिड वर्क का सीरीज अगेन मैंने चालू किया है। तो ओवरऑल मैंने 7 पार्ट में सॉलिड वर्क को बांटा है, 7 सेक्शंस में। जैसे कि पहला सेक्शन हमारा फीचर्स था, स्केच था। सेकंड हमारा फीचर्स था, देन शीट मेटल, वेल्ड मार्ट। ऐसे अब सरफेसिंग पे हम बात करें, क्योंकि ओवर सरफेसिंग में प्लेलिस्ट में मैंने एक ही वीडियो बनाया था, तो पूरे टूल्स का, लगभग इंपॉर्टेंट टूल्स का मैंने यूज करना उसमें बताया था। बट फिर से हम इसमें वन बाय वन सारे टूल्स को यूज करना सीखेंगे। आफ्टर डैट एक प्रोजेक्ट में वो सारे टूल्स का यूज हम करके एक बॉडी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वर्क प्लेस सॉलिड वर्क का, तो आपको जाना कहाँ है वो पता ही होगा जरूर। ठीक है, न्यू पार्ट डिजाइन। ओके, पार्ट डिजाइन इन सरफेसिंग। अब देखो, ये सरफेसिंग का एक टैग दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर आपको सरफेस का ऐसे यहाँ पे टूल हेडर में नहीं दिख रहा है, राइट क्लिक करना है, स्केच को सेलेक्ट करना है, स्केच ऑलरेडी सरफेसिंग सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी सरफेसिंग आ जाएगी। क्लियर, जो भी चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट एडिटिंग चाहिए, डाटा माइग्रेशन चाहिए, मोल्ड टूल चाहिए, तो क्लिक कर दोगे, आपको ये सब यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए। नाउ फ्रंट लो। तो जनरली इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्स सरफेसिंग के एक्सट्रूड सरफेस और उसके काउंटर्स का यूज करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप स्केच में जाइए और कुछ भी आप ड्रॉ कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, स्केप बाहर निकल गया हम। आफ्टर डेट सरफेसिंग में जाना है और एक्सट्रूड सरफेस लेना है। अब भी देखो, एक्सट्रूड ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पे आपको कर लो कितना आपको डायमेंशन चाहिए। इंच में मेरा पूरा सेटअप चल रहा है अगर, तो इसे मैं ले लेता हूँ 65, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12 इंचेस। ओके, 12 इंचेस डन। ये 12 इंच हमारा ये सेलेक्ट हो गया। अब आपको कुछ टिल्टिंग चाहिए आगे से, तो आप दे सकते हो डिग्री वगैरह, फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री, ठीक है, ये 2 डिग्री हल्का टिल्ट हो गया। अब देखो, अब ये हमारा चल रहा था किसमें, आईपीएस में, मतलब इंच में चल रहा था। अगर आपको एमएम में करना है तो जनरली यहाँ से ये एमएम वाले क्लिक करें, सारे डायमेंशन जो है आपके एमएम में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, इसमें जाइए, इसको एडिट कीजिए, फीचर्स को देखिए, 304, मतलब हम इसे ले सकते हैं 200 mm, ठीक है। मैं ज़्यादातर आईपीएस यूज करता हूँ इंच में, आपको जो लगे, आपको जो कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सरफेस जनरेट। तो नॉर्मली सरफेसिंग क्या होता है, बॉडी का सिर्फ आपको शेप दिखता है, इसको आप किसी असेंबली में एज अ बॉडी पार्ट यूज नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ी इसकी थिकनेस देनी होगी। तो ये थिकन कमांड है, ठीक है। नॉर्मली थिकन कमांड को क्लिक कीजिए, कितनी थिकनेस करनी है आप अपने बॉडी को, सरफेस सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट है सरफेस, यहाँ पे बॉडी को कितनी थिक करनी है, थिक ऊपर की ओर करनी है या थिक नीचे की ओर करनी है या थिक ऊपर नीचे दोनों की तरफ करनी है। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, सेंटर से थिकनेस हो लेगा, देखना, ठीक है। मैं ले लेता हूँ वो 0.5, देखो सेंटर से ये थिकनेस हो रहा है, इतने से 0.5 का हाफ ऊपर, 0.5 का हाफ नीचे, ठीक है। इससे करेंगे तो एक ही तरफ 0.5 हो रहा है, इधर करेंगे 0.5 एक ऊपर की ओर ही होगा, तो इससे आपकी बॉडी में आ गई थिकनेस, क्लियर। अब फीचर्स कमांड में इसमें ही आपको एक कंटूर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, देखो सेलेक्ट कंटूर्स। फॉर एग्जांपल कंटूर्स का यहाँ मतलब क्या है, आप एक बॉडी में दूसरा बॉडी ही भी बनाना चाहते हैं और दोनों को एक साथ एक्सट्रूड करना चाहते हैं, तो वो आपके कंटूर रीजन में आता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये कमांड मैं करता हूँ डिलीट यहाँ से, यस, ठीक है, ये होगी बॉडी। अब देखो ये एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पेशल शेप डिजाइन करनी है, तो जैसे कि मैं ये कुछ ऐसा करता हूँ, ये कुछ क्लियर है, थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ और अच्छा, लाइक दैट, क्लियर। अब मैं जाता हूँ सरफेसिंग में, इसमें जाता हूँ एक्सट्रूड सरफेस, ये तो डायरेक्ट ही ले लिया। सेलेक्ट कंटूर्स में आप कौन सा, ये पार्ट चाहते हैं या ये पार्ट चाहते हैं, ये पार्ट को सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा एक स्पेशल शेप आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है, ये होता है कंटूर्स। दो आप अलग अलग स्केचेस को एक साथ मर्ज करके एक्सट करना, ठीक है। तो और एक्स को डालते एडिट में, फॉर एग्जांपल मुझे कंटूर्स जो आपने सेलेक्ट किया था इसे कीजिए तो पहले डिलीट, ठीक है। अब आप कौन सा, ये सेक्शन, मैं ये सेक्शन को करूंगा, आप ठीक है, ओके, नाउ चेक योर, ये देखो
ठीक है, तो ऐसा कभी कभी आपको कुछ पार्ट में देखने को मिलता है कि इनर में ऐसा कुछ रीजन दिखता है, तो कैसे वो रीजन बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये छोटे मोटे टूल्स का जो यूजेस हैं, देखिए ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर दो सेक्शन में ये डिवाइड है, क्लियर? तो माइंड में रखना ये सारे टूल्स, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगे जब भी आप कोई बॉडी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे तब, क्लियर? तो इतना ही था हमारा एक्सट्रूड सरफेस का और एक्सट्रूड काउंटर का। अगले लेक्चर में हम रिवॉल्व सरफेस और रिवॉल्व काउंटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।